Hello, good morning. Today I would like to start to semiconductors. देखिए, हमने earlier classes में conductors पढ़ा है, insulators पढ़े हैं, but semiconductor हमारे लिए नया word है. Semiconductors क्या होते हैं देखिए. देखिए, आपने पढ़ा है कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इजीली करंट को कंडक्ट करते हैं, मींस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और अगर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट करते हैं तो इजीली वो करंट को फ्लो करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड्स हम देखें तो इंसुलेटर्स जो होते हैं वो करंट को इजीली फ्लो नहीं करते हैं, मतलब कहने का वो करंट को फ्लो ही नहीं करते हैं, उनमें करंट फ्लो नहीं होती है. देखिए, ये अगर ऐसे कोई मटेरियल है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया, करंट ऐसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये कंडक्टर है. एंड ऑन द अदर हैंड अगर इस दूसरे मटेरियल में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हम कहेंगे ये इंसुलेटर है. एंड इसमें देखिए एक मटेरियल है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. इस मटेरियल में हमने करंट फ्लो कराई, अभी करंट फ्लो नहीं हुई. हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया, इंक्रीज किया टेम्परेचर. 300 केल्विन मींस 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन, इट मींस 27 रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे हम लाए, हमने क्या देखा, इसमें करंट फ्लो होने लगी, मींस इसमें करंट कंट्रोल हो रही है. दूसरा हमने देखा कि हमने क्या किया, इधर से करंट फ्लो कराया, लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कराया, तो इजीली फ्लो हो रही है करंट, बट राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो नहीं हो रही है. इट मींस इसमें करंट कंट्रोल हो रही है, मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनमें हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर. मीन्स चाहे वो कंट्रोल टेम्परेचर से करें या हम करंट की डायरेक्शन से उनको कंट्रोल करें, तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सो व्हाट आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डिवाइसेस इन विच वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. डिवाइसेस इन विच वी कंट्रोल आवर करंट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो देखिए, अब कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंडक्टर्स, देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है,
एंड कंडक्टिविटी वेरी हाई। ऑन द अदर हैंड जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी वेरी हाई होती है और कंडक्टिविटी वेरी लो। तो जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बिटवीन आती है। देखिए फॉर कंडक्टर्स इसके लिए रजिस्टिविटी होती है दैट इज 10^-2 ओम मीटर टू दैट इज ऑफ द ऑर्डर, इस ऑर्डर की होती है 10^-2 ओम मीटर टू 10^8 ओम मीटर। सो कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यू नो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी 10^2 साइमन पर मीटर टू 10^-8 साइमन पर मीटर। एंड ये हो गया आपका कंडक्टर्स के लिए। फॉर फॉर सेमी कंडक्टर्स देखिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए जो रजिस्टिविटी होती है दैट इज 10^5 ओम मीटर टू 10^-6 ओम मीटर, 10^-5 ओम मीटर टू 10^6 ओम मीटर। एंड कंडक्टिविटी हो जाएगी 10^5 साइमन पर मीटर टू 10^-6 साइमन पर मीटर। दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए कंडक्टिविटी इसकी 10^2 टू 10^-8 एंड इसकी 10^5 टू 10^-6 साइमन पर मीटर, राइट 5 to -6। एंड फॉर थर्ड फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए देखिए रजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^11 ओम मीटर टू 10^19 ओम मीटर, वेरी हाई रजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी 10^-11 साइमन पर मीटर टू 10^-19 साइमन पर मीटर एंड वेरी लो रजिस्टिव वेरी लो कंडक्टिविटी। देखिए जो क्लासिफिकेशन में फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए इसकी जो रजिस्टिविटी है 10^-2 टू 8, सो कंडक्टिविटी 10^+2 टू -8। फॉर सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी 10^5 टू 10^-6 एंड फॉर इंसुलेटर्स दिस वन। तो देखिए इन तीनों की ये कंडक्टिविटी आ गई। अब ऑन द अदर हैंड हम इसका क्लासिफिकेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए तो इसको हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि कैसा मटेरियल है हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स दीज आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। हम इस 12th क्लास में सिर्फ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की ही स्टडी करेंगे और किसी की हमें स्टडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन बाकी
खैर और भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इस क्लास में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की। देखिए सिलिकॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम 32, सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, 2818 एंड 4। हमको ये याद रखना है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कित 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इसी का यूज है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसी के बेसिस पर हम इनकी स्टडी करेंगे, राइट। सो सेकंड होते हैं आफ्टर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। पहला तो हमने बताया आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में, एलिमेंटल में एलिमेंट जो है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, कंपाउंड में ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, सेकंड नो पहला इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, सेकंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स एंड थर्ड वन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, देखिए इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में हमारे कौन से आते हैं, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में आ गए, कैडमियम सल्फाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड। इसमें गैलियम सल्फाइड ये भी ऐसा, गैलियम सल्फाइड ये हमारे इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में आ गए। देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहले जर्मेनियम और एंड सिलिकॉन आते हैं, दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिएगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में CDS, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड एंड गैलियम सल्फाइड, ये हमने रख दिए, और भी होते हैं लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इन्हीं को देखेंगे। दूसरा होता है हमारा जो इसमें ऑर्गेनिक में एंथ्रेसिन, एंड डोप्ड थैलोसाइनाइन, थर्ड वन हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इसमें आपका आ गया हमारा पॉली एनिलीन, एंड दूसरा हम लिख देंगे पॉलीथियोफिन, एसेट्रा, राइट। सो हमारे जो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये होते हैं।
नाउ ये तो इसका हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसका जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और अगर ये चीज समझ आ गई आपको सेमीकंडक्टर्स में, तो पूरा सेमीकंडक्टर समझ आ जाएगा। और ये चीज समझ नहीं आई तो कितना भी पढ़ लो उसको, सेमीकंडक्टर समझ नहीं आ। देखिए ये सपोज एक सिलिकॉन का एटम है। एज आई टोल्ड यू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन। देखिए आइसोलेटेड कंडीशन में, आइसोलेटेड मींस जब ये एटम अलग है, अकेला है, इसके आसपास कोई एटम नहीं है सिलिकॉन का, ठीक है, ये अकेला एटम होता है, तो उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ अलग होगी। बट जब ये बहुत सारे एटम्स मिलाए जाएंगे, जब ये क्रिस्टल बनेगा, जब ये क्रिस्टल बनेगा मतलब इसके पास बहुत सारे एटम लाए जाएंगे, इसमें मिलाए जाएंगे, तो क्रिस्टल की जो एनर्जी एटम बनेगा, तो उस एटम की एनर्जी जो क्रिस्टल फॉर्म करेगा उसकी एनर्जी अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए सपोज ये जो है सिलिकॉन वो आइसोलेटेड है, अभी अकेला है, इसकी जो आउटर मोस्ट में इन सब की एनर्जी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है, एक एनर्जी होगी। बट अगर हम कोई दूसरा एटम इसके पास लाते हैं सिलिकॉन का, तो ये दूसरा एटम इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को किस तरह इफेक्ट करेगा, ये देखिए। ये वाला एटम, पहले तो ये आपस में एटम यहीं पे थे, तो इसकी एनर्जी डिपेंड करती है कि किस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी पे तो एनर्जी डिपेंड करेगी। बट क्योंकि ये आइसोलेटेड है, लेकिन अगर ये क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं और इसके पास अगर दूसरा एटम आया है, तो दूसरा एटम आया है तो क्या होगा, पहले तो ये दोनों की आपस में एनर्जी, यू नो एनर्जी का फॉर्मूला, यू इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2r। दिस इज द फॉर्मूला एनर्जी का, 4πε0Q1Q2। तो Q1Q2 के कारण इनकी कुछ एनर्जी होगी, तो इनकी एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी होगी। बट अगर ये वाला एटम भी पास में आ गया, सपोज करो 2 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर अगर ये आ गए, तो ये इनमें भी Q1Q2 लगेगा, मतलब ये पास आ गए तो ये इसका चार्ज इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, इसका भी चार्ज इसको इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा और ये भी इफेक्ट करेगा, ऐसे ये सारे आपस में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में इफेक्ट करेंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, जिस तरह भी जो भी बिहेव करे, तो ये जो एनर्जी इसकी कम या ज्यादा होगी, मतलब ये इनकी अज्यूम, हम स्पेस को ही अज्यूम कर रहे हैं, या एक्चुअल एक एक्चुअल स्पेस पे लाने पर जो एनर्जी कम या ज्यादा होगी, हमको वही एनर्जी स्टडी करनी है इसमें अभी। तो उसके लिए हम देखिए एक 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 चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए इसमें कि इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखिए। अब ये हम सपोज इसको क्रिस्टल फॉर्म में ला रहे हैं, तो इसकी एक लैटिस बनेगी जो क्रिस्टल की, तो सपोज हमने उसमें n नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम्स इसमें आए हैं, ठीक है। तो हमने इसमें, तो ये क्या होगा, टोटल 4n हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n हो जाएंगे। अब सपोज इसमें ये टोटल, जब इसका ये क्रिस्टल बनेगा तो इसमें जैसे अभी एक एटम के 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो n एटम के कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, फॉर आइसोलेटेड आइसोलेटेड एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4, एंड फॉर एन एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4n। तो ये 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कहां पर, ओनली इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बट हमको ये पता है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स कितने हैं, अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल, दैट इज 8n, 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। और हमारे पास है कितने एनर्जी, है कितने, 4n अवेलेबल 8। तो इस ये चीज हमको याद रखनी है। तो हम एक छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को स्टडी करेंगे, और उस ग्राफ को स्टडी करने के बाद ही हमको ये एनर्जी, बैंड एनर्जी थ्योरी समझ आ जाएगी। देखिए ये जो 4n इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 4n, तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये sp(df) में डिवाइड होते हैं। तो s मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, मीन्स l इज इक्वल टू 0, एंड 2 इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे। तो फॉर n एटम्स दैट इज 2n एंड 2n, फॉर n एटम्स दैट इज 2n इलेक्ट्रॉन्स एंड 2n इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज l इज इक्वल्स टू 1। एंड इसमें कितने एनर्जी लेवल है, कितने स्टेट है एनर्जी के, 2n ही है इसमें, तो 2n स्टेट्स है एनर्जी के। और इसमें कितने होते हैं p में, इसमें 6 होते हैं, तो इसमें कितने हैं, 6n स्टेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सपोज हम क्या इसमें करेंगे, आप कहेंगे ये दो लाइन क्यों खींच दी है, दो लाइन मैंने ये इसलिए खींची है, ये लाइन हमको एनर्जी की, एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट दिखा रही है। कि ये देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऊपर की लाइन हमारी एनर्जी को शो करेगी यहाँ पे, ये ऊपर की वाई एक्सिस पे, अभी मैं वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस पे जो लाइन है ये एनर्जी की, अगर ऊपर ये लाइन होती तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, नीचे होगी तो एनर्जी कम होगी।
अब ये यहाँ पे है तो एनर्जी लेवल, और नीचे हमने क्या किया है, ये हम नीचे डिस्टेंस मतलब नीचे हम स्पेस ले रहे हैं दो एटम के बिटवीन। सपोज एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है सिलिकॉन का, सपोज सिलिकॉन का ये एटम है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अगर ये दोनों इतनी दूर रखे हैं मतलब एक तरह से आइसोलेटेड है हम ये मान लेते हैं, क्योंकि इस अगर ये यहाँ पर रखे होंगे तो ये इतनी दूर हमने ये मान लिया ये आइसोलेटेड है, मतलब एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं एटम, तो इसका एनर्जी लेवल ये होगा पी का और एस का एनर्जी लेवल ये होगा, और हम इसको एक रीजन मान लेते हैं, कौन सा है, रीजन ए। रीजन ए में ये कंडीशन हो रही है, किसमें हो रही है, रीजन ए में। अब हमने क्या किया कि इनका जैसे ये इतनी डिस्टेंस पर थे, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो दो एटम्स हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। अगर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे इस एक्सिस पर तो इनके एटम्स के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो अगर इन एटम्स के बीच की दूरी कम होगी, मतलब ये मैं वही तो बात कर रहा था कि ये दोनों एटम जब पास पास आएंगे तो एनर्जी लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये एटम्स पास पास आएंगे तो इनकी एनर्जी लेवल, अभी एस का ये था पी का ये था, तो इन दोनों के एनर्जी लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैं ये नीचे लिख लेता हूँ, ये क्या है, अज्यूम्ड स्पेसिंग, ये क्या है, अज्यूम्ड स्पेसिंग, मतलब जैसे जैसे इधर जाएंगे, ये इधर एरो है इसका मतलब इधर स्पेस ज्यादा है, जैसे जैसे इस साइड जाएंगे स्पेस कम होता जाएगा। अब सपोज हम इधर आ गए, दिस इज रीजन बी, रीजन बी, रीजन बी में हमने क्या देखा कि ये जो दो एटम्स हैं इनको हम पास पास ले आए। जब हम इनको पास पास ले आए तो हमने क्या देखा, लगभग ये मान लो पास में आ गए तो वन एंगस्ट्रॉम टू एंगस्ट्रॉम के, टू एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है, टू थ्री एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या देखा, ये जो है यहां से जो पी ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन थे उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई और कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो गई, कुछ की एनर्जी यहां डिक्रीज होके ही हो गई, कुछ की इंक्रीज हो गई। ऐसे एस में हमने क्या देखा, कुछ की एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है, कुछ की एनर्जी इंक्रीज हुई, थोड़ा इसको सही बना देता हूं, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, कुछ की एनर्जी इंक्रीज हुई एंड कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये पॉइंट देखते हैं हम जहां पर दोनों की एनर्जी मीट कर रही है,
रीजन भी है। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां पर आ गई, इसमें कुछ की एनर्जी यूं आ गई, दोनों के बिटवीन ये एनर्जी का गैप है, ये रीजन है। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है आपको इस रीजन में, ठीक है, यहां पर ये गैप बना हुआ है। या तो इलेक्ट्रॉन है वो इस यहाँ रीजन बी में या तो यहां पर रहेगा या यहां पर रहेगा, यहां पर इस एनर्जी का हमको कोई इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं मिलता है, राइट। अब ये देखिए इसके बाद हमारा एक ये छोटा सा रीजन आ गया जिसको हम नाम दे देंगे रीजन सी। राइट, एक छोटा सा रीजन आ गया जिसका नाम दे देंगे रीजन सी। ऐसे लिख दूं रीजन सी। इस रीजन में देखिए, इस रीजन में देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से यहां तक मिल रही है और यहां से यहां तक भी मिल रही है और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे यहां भी मिल रहे हैं, इसमें भी ऊपर भी मिल रहे हैं और नीचे भी मिल रहे हैं, तो यहां पर कोई एनर्जी का गैप ही नहीं बचा है। मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इस एनर्जी लेवल के भी हैं और यहां पर भी हैं बीच में, तो यहां पर कोई गैप नहीं है, ठीक है, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स हमारे मिल रहे हैं, राइट। अब यहां पे इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये देखिए यहां पर कोई एनर्जी का गैप नहीं है, मतलब ये जो पी ऑर्बिट के जो पी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कुछ की एनर्जी यहां पर है, कुछ की यहां पर है, और एस के भी कुछ की एनर्जी यहां है, कुछ की एनर्जी यहां है, यानी कि इनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब इक्वल हो गई है, इनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इक्वल हो गई है, मतलब पी के जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वही ये एस के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है। अब इसके बाद रीजन डी में आते हैं, रीजन डी में देखिए रीजन डी में हम देखते हैं, एक सेकंड, अच्छा ये देखिए रीजन डी में देखिए या तो एनर्जी इस यहां पर है, ऊपर वालों की एनर्जी यहां पर है ये, और नीचे वाले जो है मतलब पी वालों की एनर्जी तो ऊपर हो गई और नीचे वालों की एनर्जी कहां पे हो गई, यहां पर, और ये बीच में ये गैप एक बन गया, यहां पर किसी की भी एनर्जी नहीं होगी। इस गैप को हम क्या कहते हैं, हम एक नाम देते हैं ईजी, ईजी मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो देखिए इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर इनिशियली 2n और स्टेट्स कितनी है 2n, यहां पर इलेक्ट्रॉन 2n स्टेट्स 6n, इलेक्ट्रॉन 2n स्टेट्स 6n। तो यहां पर भी देखिए रीजन बी में 2n इलेक्ट्रॉन एंड टू एन स्टेट्स,
इसमें ऊपर पी वाले में भी देखिए 6n स्टेट्स हैं इसमें, n इलेक्ट्रॉन 2n। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर के यहां पर है रीजन बी में और नीचे के नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं हुए, बट रीजन सी में क्या है ये मिक्स हो गए, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहां पर आ गए इस एनर्जी लेवल में, मतलब उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, पी के कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो गई और एस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इसमें क्या हो गया, जब इसमें ये कंडीशन हो गई तो इसमें टोटल टोटल कितने हो गए 6n और 2n कितने स्टेट हो गए 8n, तो टोटल 8n स्टेट्स हो गए। टोटल 8n स्टेट्स एंड इलेक्ट्रॉन 4n, शॉर्ट में लिख रहा हूं 4n, el जगह कम है, 4n इलेक्ट्रॉन ठीक है और 8n स्टेट्स ठीक है। इसमें रीजन सी में ऊपर भी यहां भी इसमें 8n स्टेट्स एंड 4n इलेक्ट्रॉन। अब रीजन डी में आइए, रीजन डी में क्या है देखिए, रीजन डी में एक चीज देखिए, आपको एनर्जी लेवल ये इस तरह से दिखाई दे रहा है ऊपर, एक देखो एक तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ठीक है बैंड, और एक नीचे बैंड दिखाई दे रहा है, बट आप देखोगे ग्राफ से आप देखिए ये पी एनर्जी लेवल की एनर्जी घटकर यहां पर यूं आ गई, एस की एनर्जी भी यहां आ गई, मतलब ये जो बैंड दिख रहा है आपको, मैंने एक बैंड बना दिया है यहाँ पे, मान लो एक पतला सा बैंड बना रहा है यहाँ पे ठीक है, या ये मान लो, तो इस हिस्से में हमको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं यहाँ पर, मतलब जो पी लेवल में जो एल इजुकस टू वन के लिए पी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी घटकर नीचे आ गई, और जो एस लेवल के इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी भी यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बीच में है। अब इसके देखिए यहां पर इसकी एनर्जी यहां तक तो ये गई, फिर यहां से ये यूं करके ठीक है एक गैप आ गया, फिर ऊपर जा रही है, तो ऊपर मतलब यहां से आगे जाने पे हमें पता नहीं, यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, हमें एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स के यहां पे मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है टोटल स्टेट्स कितनी है, टोटल स्टेट्स इसमें हो गई 4n, और यहां पर भी 4n स्टेट है, यहां पर ऐसा नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकता, इलेक्ट्रॉन पहुंच तो सकता है लेकिन हमें फिलहाल में नहीं मिल रहा है, यहां ऊपर के रीजन में इलेक्ट्रॉन पहुंच तो सकता है, मतलब उसको थर्मल एनर्जी दे दें तो पहुंच जाएगा, लेकिन हमें फिलहाल में नहीं मिला, तो इसमें भी 4n स्टेट्स हैं ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं 4n, जो टोटल 2n 2n इलेक्ट्रॉन थे तो टोटल 4n हमको यहां पर मिल गए, 4n इलेक्ट्रॉन यहां पर, और यहां पर हमको 0 इलेक्ट्रॉन मिला है, यहां पर हमको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है। तो देखिए ये जो गैप इनके बीच में आता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, जो गैप हमारे इनके बीच में आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे एनर्जी गैप। और जो ऊपर का जो ये बैंड बना है इस बैंड को, क्योंकि इस बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम इसको इतनी हीट दें कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ठीक है यहां से यहां अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इट मींस वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतनी हीट अगर हमने दे दी किसी भी प्रोसेस से, अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पर जो बैंड होगा ये जो बैंड होगा इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मींस यहां इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखिए मैंने बताया था ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज होगी नीचे एनर्जी डिक्रीज होगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी एनर्जी इतनी ही होगी कि वो एटम जो है उस एटम्स के वो को जो एटम के अंदर जो
मतलब जो एटम कह रहा हूँ सॉरी, क्या जो क्रिस्टल बन रहा है उसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं उन बॉन्ड में ही पार्टिसिपेट कर सके इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड। बैलेंस बैंड, एंड इसको बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड। तो हमारे दो बैंड निकल के आए, एक कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है उसकी इतनी एनर्जी होती है कि वो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे तो वो करंट को फ्लो कराएगा, बट वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको फ्लो नहीं कराएगा। हाँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए हमको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, इसको गर्म करके थर्मल प्रोसेस द्वारा या किसी प्रोसेस द्वारा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जो छोड़ देगा, एम्प्टी स्पेस छोड़ देगा मतलब एक खड्डा छोड़ देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं खड्डे, क्या बोलते हैं होल, यहाँ पर एक होल छोड़ देगा, इस तरह समझ लो आप, एक खड्डा छोड़ देगा, होल छोड़ देगा, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा और नीचे एक होल छोड़ देगा, तो होल का कैसा चार्ज होगा, ये सोचने वाली बात है, कैसा चार्ज होगा, क्योंकि एक नेगेटिव ऊपर चला गया तो एक नेगेटिव अगर किसी में से निकला तो एक नेगेटिव कम हो गया, एक नेगेटिव कम हो गया इट मीन्स एक पॉजिटिव आ गया। तो होल क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वी विल स्टडी दिस होल इन नेक्स्ट क्लासेस, बट मेरा मतलब यहाँ पर आपको बैंड समझाना है। ये नीचे जो है वो बैलेंस बैंड बना, ये कंडक्शन बैंड बना, एंड दिस वन इज एनर्जी गैप। फाइन, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपने जो क्या कहते हैं उसको, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को विद इन 2 मिनट्स हम समझ सकते हैं, राइट? देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको, डिटेल में तो इसको अगर मैं समझाने में से इसमें डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको, विद इन 5 मिनट्स में इसको क्लियर कर दूंगा। देखिए ये हमारा एक एनर्जी बैंड है, जो आई टोल्ड यू रिसेंटली मैंने क्या बताया, इस एनर्जी बैंड को इसमें देखो, ये एनर्जी को शो कर रहा है ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये एनर्जी बैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं वी बी, वी बी मतलब वैलेंस बॉन्ड, मैंने अभी वैलेंस बॉन्ड के बारे में बताया था ना। और ये एक एनर्जी लेवल है इसमें, ठीक है, इसमें देखिए ऊपर एनर्जी हाई है ना, ऐसे अगर जाएंगे तो एनर्जी ये हाई है, तो ऊपर ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड सी बी, और ये दोनों के बिटवीन गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड ई जी, ई जी मीन्स एनर्जी गैप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हम ये किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंसुलेटर, फॉर इंसुलेटर्स, देखिए इंसुलेटर की कंडीशन में ये एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जो एनर्जी गैप है दोनों के बिटवीन वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के बिटवीन, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा गैप होता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप है इनके बिटवीन, इट मीन्स कि बहुत ज्यादा है ये एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सपोज लकड़ी है, इंसुलेटर है, हमने अगर लकड़ी को, अब यहां पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इसके, हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाने का हमारे पास क्या प्रोसेस है, हम इसको थर्मल हीट देके, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सपोज
ये इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, इस तरह होते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा 2 मिनट में समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, ये सॉरी एक एटम ये है और एक एटम ये है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये लैटिस बन गई एक सिलिकॉन की, मतलब एक क्रिस्टल है समझ। सपोज अगर यहां पर कोई इलेक्ट, ये देखो आपस में इनके बॉन्ड है, अगर हमने कैसे भी इतनी हीट दे दी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, हमने इतनी हीट दे दी कि वो एक इलेक्ट्रॉन ने वो बॉन्ड तोड़ दिया, अगर वो बॉन्ड तोड़ दिया तो वो इस लैटिस में फ्रीली मूव करने लगेगा, ठीक है, हमने इतनी हीट दे दी कि इसने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो वो इस लैटिस में फ्रीली मूव करने लगेगा। देखिए होता क्या है, जब बॉन्डिंग होती है, मान लो 2 एटम की बॉन्डिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन का काम वैसे क्या है, इसके ऑर्बिट में, सिलिकॉन के ऑर्बिट में, सपोज सिलिकॉन है, इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करना ही तो इसका काम है, लेकिन अगर ये बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये ऐसे है, यहाँ पे मूव करेगा, फिर यहाँ पे मूव करेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से मूव करता है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अपने मूव करने की ड्यूटी से फ्री हो जाएगा। तो इसमें यही होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने इसको हीट दिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप तक हम एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे इतनी एनर्जी देने से पहले ही, मान लो वुड है हमारी, लकड़ी है, लकड़ी जल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते मटेरियल को, तो ये इस जब इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता। इसीलिए इंसुलेटर्स क्या है, वो कभी भी कंडक्टर्स नहीं बन सकते हैं, वो इंसुलेटर्स ही होते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। राइट, समझ आ गया। अब इसी मैं इसी ग्राफ में समझा देता हूँ इसमें, चलो दूसरा बना देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको इरेज करके जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेमी कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है ये वाला, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.5 और 0.7 समथिंग जो भी हो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, तो ये जंप करके सीधा यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे पहुंच गया तो ये कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच गया, तो ये क्या काम करेगा, ये अगर हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे तो ये मूव होने लगेगा, ठीक है, ये मूव होने लगेगा इलेक्ट्रॉन, और मूव होने लगेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगी मटेरियल से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स में अगर हम इसको थोड़ी हीट देते हैं तो हीट देने पर क्या होता है, ये कंडक्ट एज अ कंडक्टर ये बिहेव करने लगता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम इसको ले जाएं तो, ठीक है। दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर्स। नाउ सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अब ये थर्ड कंडीशन देखिए, फॉर कंडक्टर्स। देखिए अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे पहुंचा है हीट देके, तो यहां पर ये एम्प्टी स्पेस जो छोड़ जाएगा ये, और इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैं इसको नोट कर देता हूं, होल। क्या बोलते हैं, होल। एंड होल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में होल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग, क्योंकि इस चैप्टर में होल्स का
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज है, तो होल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना है। वो मैं आगे आपको होल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये मूव करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर कंडक्टर्स, देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, देखिए ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया यहां तक, और ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया यहां तक। मतलब कहने का है, मैं एरो से दिखा रहा हूं, देखिए यहां तक हो गया सीवी कंडक्शन बैंड, और यहां से यहां तक हो गया वीबी वैलेंस बैंड। अब इन दोनों में देखो, यहां से यहां तक तो कंडक्शन बैंड है, यहां से यहां तक वैलेंस बैंड है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, देखो ये रीजन देख रहे हो ना, ये रीजन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में होंगे। सो इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में होंगे वो कंडक्शन का काम ऑटोमेटिकली करेंगे, तो इसमें हमें टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी डिटेल में इसको और भी समझाएंगे आगे इन माई नेक्स्ट क्लास, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। हाय, इसको देख लीजिए एक बार, मैं फिर बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, इफ एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड देन इट इज इंसुलेटर, इफ इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन बाय हीटिंग हम वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, सीवी कंडक्शन बैंड में। और फॉर कंडक्टर्स इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग बैंड होते हैं, क्या होते हैं, ओवरलैप्ड बैंड। तो बैंड अगर ओवरलैप होंगे ये यहाँ पे, तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच सकता है विदाउट एनी एनर्जी, मतलब हम विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, हम इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे तब भी ये पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू।